हो जाती है, एक बार पॉलीमर की होती है, फिर एस्टर, पॉलीमर होता है एस्टर होता है। तो इस तरीके से यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर, एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। ठीक है, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स ऑफ पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेराकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट देयर आर मैनी मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिस्टर पड़ा हुआ है, एक एक पॉलिस्टर है और एक उसमें कॉटन है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। तो मतलब दो अलग अलग तरीके के, इसमें हमें यह समझ में आता है कि दो अलग अलग तरीके के फाइबर्स को मिला करके भी एक नया फाइबर बनाया जा सकता है। फिर आगे बताते हैं, हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, है ना, किसके? पॉलिस्टर के। मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। काफ़ी सारे हम लोग को लगता है ऊनी हैं, बट वो काफ़ी नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, और बस वो इस तरीके के होते हैं कि नेचुरल वूल को जो है रिजेंबल करते हैं। और वो किससे बने होते हैं? ज़्यादातर वो एक्राइलिक से बने होते हैं, जो हमारी वो होती है ना कंबले वगैरह, वो किससे बनी होती हैं? वो एक्राइलिक से बनी होती हैं। वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज से वूल लेते हैं वो काफ़ी महंगी होती है, और जो एक्राइलिक्स के होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, काफ़ी सारे कलर्स में मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल का मतलब है ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, अफोर्डेबल का मतलब है वो सस्ते होते हैं, इसलिए क्या ये काफ़ी पॉपुलर है। तो एक्राइलिक मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? हमारे जो ब्लैंकेट्स हैं विंटर्स में, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स वगैरह, ये एक्राइलिक के होते हैं। और पॉलिस्टर हम लोग देख रहे थे, पॉलिस्टर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अभी अभी देखा था, सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, किसके लिए यूज़ कर रहे थे? सिंथेटिक फाइबर है, और जो ये है कपड़े में, इससे सलबट नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये है टेरलीन जो है ना, वो काफ़ी फेमस पॉलिस्टर है। अब आता है, ये हम लोगों ने देख लिया नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आप लोगों ने पिछली जो क्लासेस थी उसमें मतलब सिंथेटिक नेचुरल फाइबर है उनको बर्न करके देखा था। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया था? जब आपने सिंथेटिक फाइबर को बर्न करा मतलब जलाया, ये एक अजीब सा बिहेवियर था, इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जब सिंथेटिक फाइबर को जलाया था ना, तो हमने देखा था कि ये पिघलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं जब हम इन्हें गर्म करते हैं। तो एक डिसएडवांटेज है, मतलब एक थोड़ी ख़राब सी चीज़ है सिंथेटिक फाइबर के लिए। और जो इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर है ना, उसमें काफ़ी जल्द ही आग लग जाती है, इट कैन बी डिजास्ट्रस। वो क्लोथ जो है अगर कैच कर लेना फायर, तो काफ़ी नुकसान वो दे सकता है। फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी, फैब्रिक जो है वो मेल्ट हो जाता है, बॉडी से चिपक जाता है उस इंसान की जिसने उसे पहना होता है। तो इसलिए हम लोगों को सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनने चाहिए जब हम लोग किचन में या फिर लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, तब हमें कॉटन को ही प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, पॉलिस्टर्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन वगैरह में काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। ज़्यादातर जो है ना वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, जैसे कि कोल से, हमने देखा था ना कि कोल से काफ़ी सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर बन रहे हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो आप रेनी डे इमेजिन करिए, आपका अम्ब्रेला कैसा होता है, वो क्यों होता है? तो देखिए, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं